भाई, तब 3 महीना हो गए इस सड़क को खराब हुए। 1-1.5 महीना तोड़ने में लगा दिया, देख लो 3 महीना हो गया, रोड निकल के आधी हो गई है। वो नहीं है 3 महीने से ये हालत ऐसी कर रखी है, कहाँ से कराना आएगा बताओ। कंप्लेन कर करके थक गए लेकिन कोई बनाने नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कस्टमर आता ही नहीं हमारा भाई। दुकान 3-3 महीने हो जाते हैं, बोनी नहीं होती दुकानों में, कस्टमर ही नहीं आएंगे गली में तो कहाँ से बोनी बट्टा होएगा। ये तो बनी नहीं है, दूसरी टूटनी चालू हो गई है, क्या करेंगे? ये किराया भरेंगे, ये लेबर को सैलरी देंगे, कौन भरेगा? गवर्नमेंट देगी, आप दोगे? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। किसी देश की तरक्की जाननी है तो उसके रोड से इसकी तरक्की का पैमाना लगाया जाता है, लेकिन इस समय जहां मैं मौजूद हूं वहां की सड़कें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है। यहां पे ईंट के छोटे छोटे पत्थर डाले गए हैं और छोटे छोटे ईंट डाले गए हैं। 3 महीने से सड़क खराब है और अभी तक इसमें क्या होने वाले हैं, मतलब सड़क बनेगा नहीं बनेगा कुछ पता नहीं है। और यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि जो यहाँ पे सड़क तोड़ने के बाद कोई आता तक नहीं है देखने के लिए कि बनाने वाला भी कोई है कि नहीं है। अब इसी मुद्दे के साथ लोगों से बात करते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं क्या कहते हैं सुनते हैं। कब से खराब है ये सड़क? भाई साहब 3 महीना हो गए इस सड़क को खराब हुए। पहले तो तोड़ा, 1-1.5 महीना तोड़ने में लगा दिया, मलवा नहीं यहाँ से हटाए, बाद में मलवा हटाए, रोड ही डारे, देख लो 3 महीना हो गया, रोड गल के आधी हो गई है, 4 हो गई है एकदम, देखो रोड ही डाल के गए हैं, पूरा मिट्टी बन गई है रोड, और कम से कम 3 महीने हो गए अभी तक गली नहीं बन के राजी। और कहते हैं कि नहीं, हमारे केजरीवाल की सरकार में बड़ी जल्दी गली बनेगी, सड़क बनेगी, अच्छी बनेगी। 3 महीने से अभी तक बनी क्यों नहीं? एक गली नहीं बन रही तो पूरा मोहल्ला कैसे बनाएंगे, इतनी गली तोड़ रहे हैं। दुकाने 40, दुकानदार परेशान है, कंप्लेन कर करके थक गए लेकिन कोई बनाने नहीं आ रहा। सबसे मेन चीज ये है कस्टमरों को परेशानी है, और पहली बात तो जैसे कि आप चलते हैं कस्टमर, किसी का पैर मुड़ जाता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो अभी ये बताइए अब एक्सीडेंट हो जाए कुछ वो तो क्लेम उस पर डालेंगे ना, क्या नाम है ओनर वगैरह पे, जैसे कि उस टाइम पे उन्होंने करवाया है कि उन्होंने तोड़वाया। अब कल ही एक लेडीज का पैर मुड़ गया, वो बेचारी बुजुर्ग थी, उसको उठाना पड़ा। गली सब बोला था जो खोल के गए गली, वो कह रहे हैं 1-2 दिन में गली बन जाएगी, उसके बाद गली बनी नहीं। 1-2 दिन का 3 महीने कर दिए इन्होंने, और अभी तक अभी भी पता नहीं है कि कब बनेगी यहाँ पे, क्योंकि पूरे गली में जिस तरीके से देख रहे चारों तरफ दुकानें हैं, तो कई सारी यहाँ पे तो जो महिलाएं हैं वो जो हील्स पहनते वैसे लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं, जिस तरीके की सड़क है तो इससे तो बहुत नुकसान होता होगा। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, कस्टमर आता ही नहीं हमारा, हमारी दुकान 3-3 महीने हो जाते हैं, बोनी नहीं होती दुकानों में। कस्टमर आए नहीं, कस्टमर किस लिए आएंगे? कहेंगे तुम्हारी ये तो पहली गली टूटी पड़ी है, और कस्टमर को लेकर भी आया था, उसका बेचारा पैर मुड़ गया, उसको हॉस्पिटल छोड़ के आना पड़ा, टूट गया था उसका। अब लेडीज कस्टमर का ये है कि आना जाना, वो हील पहन के आती है, वो बेचारी गिर जाती है, लग जाते हैं, आने में भी दिक्कत होती है सर। अवान वगैरह जैसे कि अब एक्सीडेंट वगैरह अवान चलती है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलती है उसमें स्लीपिंग वगैरह भी होती है, और उसके बाद एक्सीडेंट का भी प्रॉब्लम होती है उसमें। माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्दी गली बन जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से, केजरीवाल जी से, कि जल्द से जल्दी गली बने। यहाँ के निगम पार्षद कौन है, उसको आपने कंप्लेन की, जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया आप लोगों ने? यहाँ के निगम पार्षद को, यहाँ के जो है यहाँ के एमएलए और जो भी है, उनको दुकानदारों ने बोला है, बोला है कि हमने कंप्लेन डाल रखी है, हो सकता है गली बन जाए। अच्छा, हो सकता है मतलब हो सकता है, यही बोला है कि हो सकता है कि 2-4 दिन में गली बन जाए, 2-4 दिन में गली बन जाए। 2-4 दिन करते करते 3 महीने कर दिए, 2-4 दिन करते करते 3-4 महीने खेल दिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा है। और कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी है, सड़कें बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा गली बन गई है, मगर इस गली का नंबर अभी तक आया नहीं। क्यों, इस गली में ऐसा क्या खास है कि इसमें नंबर नहीं? ये खास बात है तो वही जाने जो खोद के गए हैं। आप खुद देख सकते हो इस मिट्टी से कि रोड ही डली हुई थी और ये अब मिट्टी बन गई है, तो कितना टाइम हो गया होगा उसको चल चल के, ये मिट्टी बन गई है तो कितना टाइम हो गया होगा गली बने, गली को खोदे हुए, रोड ही डले हुए, एक दिन में तो नहीं होता ये मिट्टी, रोड़ी मिट्टी नहीं बनती है, उस पर इंसान चलते चलते 2-3 महीने लग जाते जब जाके मिट्टी बन जाती, ये खुद ही मिट्टी बन गई है। तो हम भी गिरते गिरते बचे हैं कि अब जल्दी बन जाए गली बन जाए, कस्टमर नहीं आता बताओ। जिस तरीके से इस पूरे गली के दोनों ओर जो दुकानें हैं, तो अगर यहाँ से गाड़ियां जब जाती होगी तो जो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे पत्थर है वो तो मतलब आपकी दुकानों की तरफ चले जाते होंगे, और चोट भी लगता फिसल के लगती है। एक भी 20 नहीं बिका भाई साहब, बताओ
बेचारे ये भी दुकानदार भी परेशान है, ये भी परेशान है, क्या करेगा। यहाँ से अपने घर बार छोड़ गए हैं, कुछ कमाने के लिए आए हैं। सड़कें जल्दी बने, क्या तनख्वाह दूँ, क्या किराया है तू बताओ। बोन ही नहीं है 3 महीने से, ये हालत ऐसी कर रखी है, कहाँ से घर आएगा बताओ। मतलब रोड टूट गया इस वजह से बोनी भी नहीं हो, 3 महीने से बोनी नहीं है भाई, अभी तक ऐसी बैठे मक्खी मार रहे हैं यहाँ पे भाई, क्या करे। लड़के काम छोड़ छोड़ के भाग गए, कस्टमर ही नहीं आएंगे गली में तो कहाँ से बोनी बट्टा होएगा। हर पब्लिक, हर इंसान कहता चलो मार्केट बढ़िया है, सड़कें बनी हुई है, चलो अंदर घुस जाते, देखते कुछ देखते हैं गलियों में, तो अब गलियों में कुछ भी नहीं देख रहे। इनकी दुकान नीचे बहु गई है, गाँव अभी तक आई नहीं है। क्या बोले यार, ये गली का हाल देख लो कैसे हो रहा है भाई। 50,000 रुपये किराया यार, 3 महीने हो गए। तोड़ने में तो आसानी करते हैं और जोड़ने में पता नहीं कब करेंगे। कितने दिन लगाया तोड़ने में? 2 दिन। 2 दिन में पूरा गली खोद दिया? हाँ पूरा खोद दिया। उसके बाद कोई आता है पूछने के लिए कि भैया कोई भी दिक्कत परेशानी कोई आता है? कोई भी नहीं आता भाई, भूल के भी नहीं आता जब से गली टूटी है। पहले तो ये थे आ देखने आ जाते थे, अब तो गली टूटी है, ये तो बनी नहीं है, दूसरी टूटनी चालू हो गई है। आप लोग कुछ विरोध नहीं करते हैं, जाके बोलते नहीं यहाँ के जो भी ठेकेदार है, पार्षद है, MLA है, बहुत लोग होते हैं तो ढूंढ रहे हैं, मारेंगे उनको, ढूंढ रहे हैं तो मारेंगे उनको। कंप्लेन ही कर लो, उसी से काम नहीं है, हाथों से मारेंगे भाई। कम से कम 2.5 लाख रुपए इनका किराया है, गाँव की बस्ती में कौन आएगा अच्छा किराया बताओ। ये लेबर भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, क्या भरेंगे, ये किराया भरेंगे, ये लेबर को सैलरी देंगे, कौन भरेगा? गवर्नमेंट देगी, आप दोगे? मैं दूंगा, मैं खुद 300 रुपये झाड़ी वाला बनता, कौन देगा? तोड़ के चलेगी गवर्नमेंट, इनको प्लस्तर कौन करेगा? मैं करूँगा। तो जैसा कि हमने दिखाया कि इस पूरे गली की क्या हालत है, और मतलब जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वही लोगों के हित के मुद्दे होते हैं, चाहे वो गली हो, सड़क हो, इस तरीके के मुद्दों से ही जो जनता होती है उनके हित जुड़े होते हैं। अब ये इस सड़क के टूटने के वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी आय पे मार हुई है। अब जो सड़क टूटा उसके वजह से यहाँ पे कई लोगों का दुकान जो चलना चौपट हो गया, क्योंकि जो खासतौर पर महिलाएँ हैं वो टूटी सड़कों पर आना नहीं चाहती, जिस वजह से जो यहाँ की जो बिक्री है, जो सामान ये बेचते हैं, जो एसेसरीज है या फिर कुछ भी बेचते हैं, महिलाओं से जुड़े जो कई सामान है यहाँ बेचते हैं, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। अब इस वजह से लोग आते नहीं हैं तो बिकता नहीं है, इसके वजह से उन्हें भी नुकसान हो रहा है। अब लापरवाही चाहे किसी की भी हो लेकिन भुगतती जनता है। अब देखते हैं कि ये सड़क कब बनती है, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।